मैं उमर डार की बेटी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमर डार की बेटी हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए पंजाब पुलिस को कि जिस बेहूदगी और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने मेरे बाबा को अगवा किया कैफे लांतों के बाहर से, और कैफे लांतों को कि उनके पास इस चीज़ की फुटेज मौजूद है लेकिन उसके बावजूद वो एविडेंस को हाइड कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद यह कि मेरी दादो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाएँ, मगर मैं ये बात यहाँ पर वाजह कर दूँ कि मैं और मेरे घर की तमाम खवातीन मेरी दादो के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं इस हक और सच की जंग में। ये चाहे मेरे बाबा से स्टेटमेंट दिलवा लें, उनसे दूसरी पार्टी ज्वाइन करवा लें, या इमरान खान और पीटीआई का साथ छुड़वा दें जिससे इन्होंने मेरे चाचू उस्मान डार के साथ किया, उसके बावजूद हम सारी फैमिली की खवातीन इमरान खान उनके नज़रिए के साथ खड़ी हैं। ये मुल्क अब बदल चुका है, ये नौजवानों का मुल्क है, और उन्हीं नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये बात कर रही हूँ कि हम इमरान खान और उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। इस जबर और जुल्म से आप उनको या उनके नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि एनीथिंग तो आप हमारे दिल में उनके लिए जज्बा मज़ीद बढ़ा रहे हैं। जो मेरे बाबा के ऊपर जाली मुकदमात हैं आप उनको पेश करें, वो अपने मुकदमात का सामना करें, उन जाली मुकदमात का उन्हें उनके दफा का मौका दिया जाए। और इस चीज़ को, ये कोई निज़ाम नहीं है कि आप आते हैं और आप आके लोगों को अगवा कर लेते हैं। लोगों को उनके दिफा का मौका दें, उनको अदालतों में पेश करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हक के साथ है, सच के साथ है, हम भी उसी के साथ। मैं उमर डार की बेटी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमर डार की बेटी हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए पंजाब पुलिस को कि जिस बेहूदगी और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने मेरे बाबा को अगवा किया कैफे लांतों के बाहर से, और कैफे लांतों को कि उनके पास इस चीज़ की फुटेज मौजूद है लेकिन उसके बावजूद वो एविडेंस को हाइड कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद यह कि मेरी दादो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाएँ, मगर मैं ये बात यहाँ पर वाजह कर दूँ कि मैं और मेरे घर की तमाम खवातीन मेरी दादो के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं इस हक और सच की जंग में। ये चाहे मेरे बाबा से स्टेटमेंट दिलवा लें, उनसे दूसरी पार्टी ज्वाइन करवा लें, या इमरान खान और पीटीआई का साथ छुड़वा दें जिससे इन्होंने मेरे चाचू उस्मान डार के साथ किया, उसके बावजूद हम सारी फैमिली की खवातीन इमरान खान उनके नज़रिए के साथ खड़ी हैं। ये मुल्क अब बदल चुका है, ये नौजवानों का मुल्क है, और उन्हीं नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये बात कर रही हूँ कि हम इमरान खान और उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। इस जबर और जुल्म से आप उनको या उनके नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि एनीथिंग तो आप हमारे दिल में उनके लिए जज्बा मज़ीद बढ़ा रहे हैं। जो मेरे बाबा के ऊपर जाली मुकदमात हैं आप उनको पेश करें, वो अपने मुकदमात का सामना करें, उन जाली मुकदमात का उन्हें उनके दफा का मौका दिया जाए। और इस चीज़ को, ये कोई निज़ाम नहीं है कि आप आते हैं और आप आके लोगों को अगवा कर लेते हैं, लोगों को उनके दिफा का मौका दें, उनको अदालतों में पेश करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हक के साथ है, सच के साथ है, हम भी उसी के साथ।